अलीम खान को क्या पैगाम है? अलीम खान सो जाए, अल्लाह माफी दे, तार दे कहां बैठा हुंदा है? इंज लग रहे हो गोभी नु उल्ली लगी उसे। अलीम खान की आंखें कैसे खुल गई आज, उनका जमीर कैसे जिंदा हो गया? पैसे मिले ने। असा जान के मीट लई अख वे झूठी मुठी दा पाले आई शक वे के साडे वल तक सजना ओ साडे वल तक सजना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फटे के नीचे से इसलिए निकला हूं क्योंकि मैं भी छुपता फिर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत ने काम खराब कर दिया है और ऊपर से अलीम खान साहब का अजीबो गरीब सा बयान आ गया है। कहते हैं कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, वो आंखें बंद करके बैठा है करप्शन पे। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब को तो शर्म आनी चाहिए, अलीम खान की आज आंखें क्यों खुली हैं? चार साल पहले क्यों नहीं खुली या इतना अरसा साथ दिया पीटीआई का, उस टाइम क्यों नहीं खुली है? क्या वजह है कि अलीम खान ऐसे बयान अब क्यों दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं थे भैया, क्यों नहीं थे? आइए मेरे साथ, क्या होना चाहिए आप क्या कहते हैं? मैनू एक दिन का बनाना है तो मैं सारे नूं यानी एक दिन का वजीर आजम आपको बना दे। हाँ, एक दिन इन्होंने सारे नूं बिठा के ते बम बड़ला हो गया सारा कुछ, यानी तुहाडे से इंज सारे सियासतदान फिनिश। कुछ मौलवी नहीं टिकन दे, कुछ सियासतदान नहीं टिकन दे। अलीम खान के बयान से आप मुत्तफिक हैं, अलीम खान को ऐसा कहना चाहिए? भाई जी होने ने ते इकट्ठा हो गया तो हुण की असीं की करांगे? अलीम खान को क्या पैगाम है? अलीम खान सो जाए, रोजा लग रहा है? लग रहा है बिल्कुल। और तुसी रोजा ना भी रखो ताडा आम लाइफ च भी मूड हो गया कभी? पहले भी ऐसा एनजी सी, एनजी लग रहा सी कुछ नहीं खाता। आज इमरान खान की आंखें ये खुलवा रहे हैं, पहले ये इमरान खान के साथ थे और उस टाइम इनकी आंखें नहीं खुल रही थी कि इमरान खान ये करेगा। बस हर बंदे को अपनी लालच होती है, उनको एक लालच थी कि शायद हमें कोई वजारत मिल जाए, अब कुछ नहीं मिला तो फिर यही बयान होने हैं और क्या। असल गल ही है, दिहाड़ी लग जाती तो ठीक। हाँ जी, अच्छा खान साहब दी वैसे भी अखां नहीं खुल रही हैं? नहीं, खान साहब तो जमांदर ही नहीं खुल दिया। अलीम खान को क्या पैगाम है आपका? अलीम खान, अलीम खान हुण मौजां करन बस, ठीक है जो कर दिता ठीक है, चार साल अयाशी कर ली और की करना, और की करना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, चार साल अयाशी कर तो लिए, अब और क्या करना है? ये पीछे भी भाई बोले जा रहा था, अल्लाह माफी दे, तार दे कहां बैठा हुंदा है? क्या मसलन कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? शकील अहमद सर। शकील अहमद जी सर। शकील अहमद क्या करते हो आप? मैं बेल्ट फरोख्त करता हूं सर। बेल्ट फरोख्त करते हैं जी सर। सही तरह क्या बेल्टा बेचना वा फरोख्त करते हैं, भारी लफ्ज क्यों बोल रहे हैं? सेहत नालो मसलन हट के बोल रहे हैं, इसलिए फरोख्त करते हैं। फरोख्त दे मसलन खरीदो फरोख्त, बड़ी वड्डी कोई चीज है, बड़ी वड्डी के ताके लोक सिद्धी तरह क्या बेल्टा दी सेल लाई फड़क पाना चाहते हैं। ਐ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਬੈਲਟ ਲਕੋਸਟ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੜਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਕੀ ਆਂਖੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੰਘਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਖੂਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ जलसे सारी टीम है ना इमरान खान साहब की, इन्हां सारियां दी जदों दा जलसा इस्लामाबाद होया ना, इन्हां सारे दीआं अखां अखां खुल गईआं ने कि इमरान खान साहब दीआं इन्हां तों ज़्यादा खुल गईआं। उहनूं नहीं पता मेरी टीम मेरे नाल इंज करेगी, जदों दा तुहानूं पता उह डंडे डुंडे दीआं गल्लां उहदे नूं होईआं ना अपणीआं, उह समझ लो कि डंडा पै गया इन्हां नूं। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਹਿਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੱਗ ਸਾਂਭੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ। ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਇਹ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ,
साढ़े गरीबों के रेट घटा दौ महंगाई दौ कि घ्यो का रेट ला गया तुम्हारी अखा से सोच पै जी तुम कोई गरीबों की सोच नहीं आ रही मैं कहना खुश्क रोटियां के नाल भी कही दिया कि गंढा तोड़ के दे दो रोटी खानी जो हाल कर यकीन मनो बच्चा पेंट कोट पा के आंदा सी हाँ जी हूँ वेख लो मेरी नवी मूवी आ रही यूट्यूब ते मैं केड़ी कहना मेरे च कुछ नहीं है ते बाकी तेरे च कुछ नहीं है रिश्ता वेखण आते ने कहते ने अं तुम रिश्ता गया तुम मौत का रिश्ता पा देंगे लाल रिंज जिम्मे नेछ वाला खोता पाया आज क्या आप पैगाम देना चाहेंगे अलीम खान को यार ये जो टीमें है ना यार शुक्र है कि साढ़े गरीबा रही है टीम नहीं असी किसी को कह दिए ना साढ़ा यार है उन्होंने फैर वजन लगे ना कोशिश करी दी इनू वजे ही सैड से होगी ये हिसाब नहीं ना फड़िया सियासतदान ने कहा यार अगर है इन्हें ना नहीं ना रलना अलीम खान ने तो उन्हें कहा मैं फैर मारना तो इमरान खान साहब को मारू अस्सलाम वालेकुम यार सलाम का जवाब दे दूंगा फिर की मजा की कह रहे हालत बुरश मारे किसी ने महल च की कहें तेन अलीम खान की आंखें कैसे खुल गई आज उनका जमीर कैसे जिंदा हो गया पैसे मिले ने बिल्कुल सही है पैसे मिले हैं पैसे मिले हैं जारी सी बात कितने पैसे मिल गए होंगे ऐ ते उन्हों ही दस सकदे मसलन ता तुसी नाल जरदारी कहंदा नहीं पैसे दे के बाहर जाना क्या पैगाम है अलीम खान को अलीम खान को क्या पैगाम लोटे ने इन्हां नूं वजाणियां चाहीदियां ने और की पैगाम सही गल ताडा भी खराब लोटे वर्गा मुंह हुंदा जा रहा है तुहाडे नाल दा ही है ये मामला आज ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा मामला है अच्छी बात है सर बच्चे तो उठाने चाहिए बच्चे तो उठाने चाहिए क्योंकि दोनों ने उठाने होते हैं और अपने उठाने हैं जारी बात है किसे देना चुक लेना नहीं उनको चुक लेना पर आज कह रहे हैं उसे शर्म आनी चाहिए फुला होना चाहिए ये होना चाहिए मैं तो सर ये ही कहूंगा ये सब लुटे हैं सुने आप गुजर हैं हां बिल्कुल टेढ़े माड़े हो सुखे कुत्ते आजकल एन जी आ रहे हैं की मसलन मसनोई दोते हैं हां जी डर से नहीं 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 बंदा होता है तीन चार गुजर आ रहे हैं ओए गुजर हो अच्छा जी नहीं नहीं ऐसे कुछ कहते चार दिन बंदा ना ना आए गुजर पाए आज अलीम खान की आंखें कैसे खुल गई आज उनका जमीर कैसे जाग गया देखें जी ओवरऑल देखें ना तो कुछ भी इमरान खान ने किया कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। मैं अलग खुद उसका सपोर्टर हूँ बिल्कुल ना एहतसाब किया ना महंगाई कम किया कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं और अब जो दो तीन दिन से वाम को वैसे ही जो आयन को भी आगे पीछे कर दिया तो हाँ तो इस तरह तो होना ही है फिर किसी ने आना है किसी ने जाना है बहरहाल हमें तो कुछ भी लेना देना नहीं होता सियासतदानों से हमें तो ये चाहिए कि हमारा मुल्क बेहतरीन चलना चाहिए आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए अच्छा लीडर आना चाहिए हमने आपके आंसू चुराने होते हैं आपके चेहरे पर हंसी देनी होती है हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है गुजरा दे नाल वे गुजरा